250 ग्राम झींगा लेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून, स्पून हाफ टी स्पून हल्दी लेंगे, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर लेंगे, गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून लेंगे, हाफ टी स्पून ऑनियन पाउडर लेंगे, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, मैदे का आटा 1 टेबलस्पून लेंगे, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून लेंगे, टेस्ट के मुताबिक नमक लेंगे, 2 टेबलस्पून सिरका लेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस लेंगे, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, जितने भी मसाले हैं मिक्स होके येलो कलर में आ जाएंगे। थोड़ा सा रेड कलर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। एक अंडा लेके अच्छे से फेंट लेंगे। अंडा जो हमने फेंटे थे इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। प्रॉन्स को डीप फ्राई करने वाले हैं। अभी हम लोग डालेंगे प्रॉन्स को अंदर अच्छे से, सिर्फ प्रॉन्स को डालना। अगर आपको शोरबा चाहिए तो शोरबा भी डाल सकते हैं, दूर भी डाल सकते हैं। अच्छा नजदीक नजदीक मत डालो वरना फिर वो चिपक जाएगा, बाहर भी निकलेगा तो चिपका हुआ निकलेगा। तो ये आपकी वजह अगर छोटा चम्मच है तो अच्छे से मिलाइए। ये देखिए झींगा फ्राई कर लिए है, शिमला मिर्ची ग्रेवी बन। हम लोग तेल लेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, वन टीस्पून डालेंगे, फिर अच्छे से मिला लेंगे, शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे, छोटे करेंगे पहले प्याज को फिर शिमला मिर्च को छोटे करेंगे। प्याज तो जो छोटे हो गए अभी हम लोग शिमला मिर्च डाल देंगे, 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाल देंगे, 1 पेपरिका पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, फिर अच्छे से मिला लेंगे, 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। हम लोग चटपटा बना रहे हैं, जो मैरिनेटेड मसाला है ना वो भी डाल देंगे बचा हुआ था। अगर ये सूख रहा है तो थोड़ा सा पानी डालना है, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। अभी हम इसमें प्रॉन्स मिला देंगे ग्रेवी में। हमारा ग्रेवी बन गई है, हमारी ग्रेवी तैयार है प्रॉन्स के साथ, प्रॉन्स और सॉस। हमने थोड़े से प्रॉन्स भी रखे थे अपने साथ। ये देखिए अभी मैं आप लोग को तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए अच्छे बने हैं अंदर से भी। ये देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना। बाय।